भक्ति में व्यभिचार न हो वो अटल भक्ति होती है। भगवान ने कई जगह कहा है व्यभिचार की भक्ति हम जैसे लोग करते हैं। भगवान ने कहा भक्ति तो वही है जिसमें व्यभिचार न हो। माम ही मई चानन योगो न भक्ति रव्यभिचारणी अव्यभिचारणी भक्ति वही भक्ति भक्ति है। 14वें अध्याय में भी यही कहा है हम यो व्यभिचारण भक्ति योगे न सेवते अव्यभिचार भक्ति योग अटल भक्ति होती है। थोड़े दिन में फिसल गए थोड़े दिन में लुढ़क गए निष्ठा नष्ट हो गई तो सब व्यभिचार है। पांडव गीता में द्रुपद जी ने भगवान से कहा है कि आप भले हमको मनुष्य मत बनाओ सर्प बना दो अजगर बना दो कीड़ा बना दो मकड़ी बना दो मेढक बना दो चिर्रा चिर्री बना दो भक्ति आपकी बनी रहे। क्योंकि जामवंत जी भालू थे तमाम बंदर थे भक्त हो गए बंदर भालू इसी तरह से सर्प भक्त हो गए बहुत से इसी तरह पक्षी हो गए जटायु आदि। तो हमको आप कहीं भी जन्म हो हमें भक्ति दे दो बस और भक्ति बिना द्विज जन्म न भाव है। सूरदास जी लिखा है सोई भलो जो श्याम ही गावे बिना भक्ति के ब्राह्मण किस काम का। चांडाल अच्छा है शप चहु होत श्रेष्ठ पद सेवत न गोपाल द्विज जन्म न भावे। तो द्रुपद जी ने कहा कि हमको मनुष्य बनने से क्या फायदा ब्राह्मण बनने से क्या फायदा कीटेशु पक्षिषु मृगेशु सरीसृपेशु रक्षा पिशाच मनुजेष्वप यत्र यत्र जातस्य मे भवत केशव ते प्रसादात तो ये वो भक्ति रचला व्यभिचारिणी। राक्षस बना दो भले ही रक्षा माने जैसे विभीषण आदि प्रहलाद आदि असुर बना दो लेकिन भक्ति दो। कीटेशु कीड़ों में पक्षियों में मृगेशु सरीसृप सर्प आदि में कहीं भी हमारा जन्म हो जाए भक्ति दे दो। गधा बना दो कुत्ता बना दो कोई हर्ज नहीं। भक्तिहीन बिरंची की न हो भगवान ने कहा ब्रह्मा भी क्यों न हो भक्तिहीन है। तो जैसे चींटी चेटा वैसे वो भी सब जीवन सह प्रिय मोह सोई भगवान सारे संसार के जीवों से प्रेम करते हैं भोजन देना रक्षा करना वैसे ब्रह्मा भी है चींटी और ब्रह्मा एक ही है। और भक्तिवंत अति नीच प्राणी एकदम नीच है और भक्ति वाला है अत्यधिक नीच पुरुष है लेकिन अगर उसे भक्ति है तो वो श्रेष्ठ है। और भक्ति से हीन है तो ब्रह्मा भी है वो बेकार है। कृपा करो कृपा करो राधा रानी कृपा करो।